माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है और आज इसी के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो क्या सीखेंगे आइए दिखाता हूं। ये प्रोडक्ट आईडी है, नेम ऑफ प्रोडक्ट है, फिर प्राइस है, फिर यूनिट है, फिर टोटल है और एम्प्लॉय आईडी भी दी गई है इसमें। ठीक है, तो अभी हम क्या चाहते हैं, अभी हम ये चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय, अब देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के बेस पे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, जैसे वन यहाँ पर भी आया हुआ है, यहाँ पर भी आया हुआ है, यहाँ पर भी आया हुआ है, फिर देखिए यहाँ पर भी आया हुआ है, फिर नीचे भी कहीं आया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जो एम्प्लॉय आईडी, जिसका एम्प्लॉय आईडी 5 हो, 5, वो कौन कौन सा प्रोडक्ट कितनी मात्रा में सेल किया है ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये कैसे होगा, क्योंकि ये एक्सेल तो है नहीं, ये एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसे कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, और इसके फाइल की एक्सटेंशन होती है .accdb। तो ये होगा कैसे, तो सबसे पहले तो क्रिएट पे चलेंगे, और क्रिएट पे जाने के बाद ये क्वेरी डिजाइन दिया गया है। बस क्वेरी डिजाइन में जाएंगे क्वेरी बनाने के लिए। टेबल का नाम है प्रोडक्ट की, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट की हमारा टेबल है, इसको यहाँ पे लेके आएंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी आपको नजर आएगी, टोटल नजर आएगा, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, इवन एम्प्लॉय आईडी भी नजर आएगा। तो इन सारे फील्ड्स को हम यहाँ ले लेंगे, सारे फील्ड्स को लेना है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, सारी चीजें यहाँ पे आ गई। अब क्या चाहते हैं हम यहाँ ऐसी क्वेरी बनाना चाहते हैं कि केवल और केवल एम्प्लॉई आईडी 5 वाला ही हमें चाहिए इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम लिख देंगे, ये देखिए ये क्राइटेरिया में हम सिर्फ 5 लिखेंगे, और 5 लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको एक बार चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि केवल 5 जो एम्प्लॉई आईडी वाला एम्प्लॉई है, केवल उसी के बारे में डिटेल आ रही है ना। अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये टोटल कैलकुलेट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।